24 में मेगा जुड़ चुकी है आपके साथ में। रुक करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर है हनुमानगढ़ से, जहां आपको बता दे 500 की 8 और 100 की 5 डमी गड्डियां की बरामद। आपको बता दे आरोपी फरार। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने एक कार से नोटों की डमी गड्डियां बरामद करने में सफलता हासिल की है। टाउन थाना अधिकारी रामचंद्र के अनुसार टिब्बी रोड पर संदिग्ध कार का पीछा करने पर चालक कार को खेत में ले गया, जहां पर कार पलट गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। कार की जांच के दौरान कार में पुलिस ने 500 रुपए की 8 और 100 रुपए की 5 डमी गड्डियां बरामद की, जिनके ऊपर और नीचे असली नोट थे और बीच में सफेद कागज थे। कार से पुलिस ने कुल 55,000 रुपए बरामद किए। टाउन थाना अधिकारी के अनुसार आरोपी ठगी के फिराक में थे और आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल में टीम के टीबी रोड पर गश्त पर गए थे, जिस दौरान एक संदिग्ध गाड़ी पुलिस की गाड़ी क्रॉस करके थे स्पीड में गई, जिस पर पुलिस के द्वारा गाड़ी का पीछा किया गया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी को एक खेत में उतार कर और खुद वहाँ से भाग गए, जिस पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के में एक बैग मिला जिसके अंदर कुल 500 नोट की कुल 8 गड्डियाँ मिली और 100 के नोटों कुल 5 गड्डियाँ मिली। उन गड्डियों की ये खास बात थी कि वो गड्डियाँ हैं जो ऊपर और नीचे तो 500 और 100 के नोट ओरिजिनल लगा रखे थे, और बीच के जो 98 नोट थे वो सभी है जो वाइट पेपर थे, और इसके अलावा 42,000 की नकदी और मिली उसके अंदर। और जो गड्डियां मिली उससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति उसमें सवार थे वो किसी के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे या इस प्रकार का वो कार्य में लिप्त हैं। तो कुल मिला के पुलिस के द्वारा 55,000 रुपये नकदी और गाड़ी को 106 BNS के अंदर जब्त किया गया और उसके ऊपर अग्रिम जाँच की जा रही है। ये नोट असली थे लेकिन उनके बीच में जो नोट लगा रहे थे वाइट पेपर थे, तो इससे वो कोई ना कोई मतलब लोगों को मूर्ख बनाकर कोई ठगी मारने के या डबल करने का लालच देके ऐसा करने का कोई प्रयास करने का ऐसा पुलिस को